हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आशीष और आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो एंको बड्स 2 के बारे में। अब ये मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखे हैं, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। मेरे को मॉर्निंग में रिसीव हुए थे, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए हैं मैंने और मैं इसको करीब 12 घंटे से यूज़ कर रहा हूं। तो एक इनिशियल इंप्रेशंस मेरे पास आ चुके हैं कि इनका साउंड सिग्नेचर कैसा है। मैंने इसे कुछ कॉल करके भी देखी तो कॉलिंग क्वालिटी का भी आइडिया लग गया। मैं आपको लाइव डेमो भी दूंगा इस वीडियो में कि कॉलिंग क्वालिटी कैसी है, प्लस इसका साउंड सिग्नेचर कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, बिल्ड क्वालिटी कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। अनबॉक्सिंग फटाफट से देखते हैं, फिर वापस आते हैं और इसके अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो गाइज, जैसा अभी आपने अनबॉक्सिंग वीडियो में देखा कि बड़ा सिंपल सा एक्सपीरियंस है, बाकी ओप्पो प्रोडक्ट्स की तरह नहीं है। बाकी बेसिक बॉक्स था और इसमें हमें एक चार्जिंग केबल भी देखने को नहीं मिलती, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि यार ओप्पो को इंक्लूड करनी चाहिए थी। बट एनीवे, अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी से स्टार्ट करें तो ये काफ़ी छोटू मोटू सा है, गोल सा है बिल्कुल, तो ईजिली आपके पाम में फिट हो जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक लगी, प्लस इसकी जो हिंज है वो भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा क्लिकी साउंड प्रोवाइड करती है आपको, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से मेरे को ठीक लग रहा है। इन्होंने मैट फिनिश का यूज़ किया हुआ है और साइड में आपको एक सराउंडिंग्स जो है वो ग्लॉसी में प्रोवाइड की हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं। बॉटम साइड में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाती है और उसके साथ जो इन्होंने इंडिकेटर दिया है, बैटरी इंडिकेटर या पेयरिंग इंडिकेटर जिसे कहते हैं, वो काफ़ी वियर्ड लोकेशन पे मेरे को लगा है यार, बॉटम में कौन देखता है। अगर आप यूजली TW को खोलते हो तो या तो साइड में होना चाहिए या अंदर की साइड में कहीं दे जो ईजिली आपको विजिबल रहे, ये बॉटम में है तो जब भी आप क्लोज करेंगे आपको बॉटम में देखना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी वियर्ड चॉइस है ओप्पो की तरफ से। मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि नीचे किसी की नज़र नहीं जाती यार, अगर सामने होता तो ईजिली मतलब दिखता रहता है, वो ज़्यादा बेटर लगता है। अंदर की साइड हमको इसमें एक ब्लू कलर का एक्सेंट देखने को मिल जाता है, जो कि थोड़ा सा अच्छा लुक देने के प्रोवाइड करता है इसको, अच्छे भी लगते हैं ये काफ़ी। और अगर हम इंडिविजुअल बर्ड्स की बात करें तो काफ़ी लाइट वेट है। इसी के साथ साथ ये स्टेम डिज़ाइन के साथ आते हैं, जो कि एग्जैक्टली मेरे A2 Pro के जैसे हैं, जो कि ओप्पो के ही हैं। उसका रिव्यू भी मैंने बाय द वे चैनल पर डाला हुआ है करीब 20-25 दिन यूज़ करने के बाद, तो मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ उनसे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो एक समरी मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। बेसिक ईयरफोन्स हैं, 1800 के आते हैं, ठीक है। 10mm का ड्राइवर देखने को मिल जाता है आपको, कोई भी ANC नहीं है, कोई भी डुअल पेयरिंग डिवाइस का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता, क्योंकि ये बजट ओरिएंटेड डिवाइस है, आपको इसमें काफ़ी बेसिक चीज़ें मिलती हैं। बट इसी के साथ साथ हे मेलेडी नाम की एक एप्लीकेशन है, जिसको आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली iOS के लिए अवेलेबल नहीं है, स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए। आप हे मेलेडी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं iOS में, बट ये डिवाइस जो है उसके अंदर सपोर्टेड नहीं है, जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मैंशन किया हुआ है, तो इस चीज़ का एक ध्यान रखें। बट अगर आप इसको एंड्रॉयड से पेयर करते हैं, जो कि ओप्पो रियलमी या OnePlus का कोई डिवाइस है, तो आपको हे मेलेडी ऐप इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली सारा मेन्यू जो है ब्लूटूथ सेटिंग्स में ही देखने को मिल जाएगा, इसके टच कंट्रोल्स या इसके जो साउंड प्रोफाइल है उसको चेंज करने के लिए। बट अगर आप अदर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपके लिए हे मेलेडी ऐप है। मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ कि क्या क्या फंक्शंस आपको मिलते हैं एंड्रॉयड साइड में अगर आप हे मेलेडी ऐप यूज़ करते हो। तो जैसे ही आप हे मेलेडी ऐप खोलेंगे और अपने TWS को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे आपके कनेक्ट हो जाएंगे। और कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से टॉप में इंटरफेस मिलता है, जिसमें आपको इंडिविजुअल लेफ्ट राइट के बर्ड्स को दिखाता है, साथ ही केस में कितनी बैटरी लेफ्ट है वो आपको दिखा देता है, और साथ ही साथ आपको कुछ साउंड इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन 3 हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने A2 Pro वाली वीडियो में बताया था कि उसमें भी 3 ही मिलते हैं डेडिकेटेड। ओरिजिनल साउंड क्वालिटी है, बेस बूस्टेड है, क्लियर वोकल्स है। साउंड क्वालिटी कैसे, उस पर हम आगे आते हैं वीडियो में। उसी के साथ साथ अगर हम नीचे देखते हैं तो इसमें गेमिंग मोड मिल जाता है, जो कि हम अगेन टेस्ट करेंगे आगे वीडियो में, तो बने रहिए। कितना लेटेंसी मिलता है हम BGMI के साथ इसमें टेस्ट करेंगे। और अगर आप ये सेंटर में ईयरबड कंट्रोल्स के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ टच कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप लेफ्ट और राइट के अंदर कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपका सिंगल टैप पे क्या एक्शन परफॉर्म हो, डबल टैप पे क्या हो, एंड अगर टच एंड होल्ड करके रखते हैं तो आप इसमें वॉल्यूम एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज के काफ़ी कम TWS में देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी रही बात यहाँ से फर्मवेयर अपडेट वगैरह की, तो अगर आपका फर्मवेयर अपडेट आएगा तो आपको ये डिवाइस में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बॉटम में, जब भी अपडेट होगा। तो ये
तो गाइज ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है, बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि अगर कोई iOS यूज़र है, अगर iPad या iPhone पे चलाता है, तो उसको कस्टमाइजेशन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि ऐप सपोर्ट है नहीं, और साथ ही अगर इसका कोई फर्मवेयर अपडेट आता तो बेचारे मतलब पीछे रह जाएंगे, वो नहीं कर सकते इसको। तो ये एक मतलब एक डिसएडवांटेज लगा मेरे को इस बर्ड्स का स्पेशली। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसकी माइक क्वालिटी के बारे में। मैं एक कॉल करूँगा यूजली, पहले मैं आपको फ़ोन की आवाज़ सुनाऊँगा कि जनरली हमारे फ़ोन से कैसी आवाज़ जाती है, उसके बाद मैं इस TWS को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करूँगा, एक सिंगल ईयरबड्स को लगाएंगे, उसके साथ बात करेंगे, और फिर हम दोनों लगाएंगे और दोनों को जज करेंगे। सामने वाली पार्टी के फ़ोन में हम ये रिकॉर्डिंग करेंगे और उससे पूछेंगे कि आपको हमारी आवाज़ कैसी आ रही है। तो ये डायरेक्टली लाइव चलेगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं और खुद जज करिए कि कैसी क्वालिटी है इसकी। तो अभी हम कॉल करेंगे अपने फ़ोन से और उसके बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे, देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। तो मैं एक कॉल लगाता हूँ। हेलो हेलो वैभव, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आवाज़ आ रही है। अच्छा तो एक काम करो, तुम अपने फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग कर लो, मैं एक ईयरबड टेस्ट कर रहा था तो उसकी साउंड क्वालिटी दिखानी है सबको। ओके तो अभी मैं अपने फ़ोन से बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइज? अभी ये मैं फ़ोन से बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि कैसी आवाज़ आ रही है। अब मैं क्या करूँगा कि ये ईयरबड कनेक्ट करता हूँ एक सिंगल। हाँ तो ये कनेक्ट हो चुके हैं। बैगो अब आपको आवाज कैसी आ रही है? अभी थोड़ी आवाज मतलब ज्यादा वाइब्रेट हो रही है, एको कर रही है शायद। अच्छा एको कर रही है, ओके। बट वैसे क्लियर आ रही है, कोई मतलब वैसे इशू तो नहीं है, मफल वगैरह तो नहीं लग रही? वैसे थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। अच्छा इंप्रूवमेंट है फोन के कंपैरिजन? नॉर्मल से इंप्रूवमेंट है, बट एको बहुत ज्यादा आ रही है। ओके अब मैं दोनों ईयरपॉड्स ईयरबड्स कनेक्ट करता हूं। अभी अभी आपको आवाज कैसी आ रही है? हाँ थोड़ी बेटर है, नेको भी थोड़ी रिड्यूस हुई। ओके तो ठीक है, ठीक है, ओके थैंक यू। तो गाइज ये था कुछ इसका एक ऑडियो टेस्ट, आप खुद जज करिए कि कैसी आवाज़ है और कैसा वो है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को इसी वीडियो के साथ अलाइन कर दूंगा, तो आप बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। तो गाइज अब हम बात कर लेते हैं इसके साउंड सिग्नेचर की, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी TWS के लिए। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप म्यूज़िक भी सुनेंगे, वेब सीरीज़ देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि यार एक TWS जो है वो साउंड कैसा निकाल के दे रहा है। अभी मेरे को करीब 10-12 घंटे हुए हैं मेरे पास इसको, जिसमें से मैंने इसको 6 या 7 घंटे लगातार यूज़ किया हुआ है। अभी जो मैं प्रेजेंटली TWS मेरे प्राइमरी हैं वो है ओप्पो एंको A2 प्रो, जिसका मैंने रिव्यू डाला हुआ है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। इनका साउंड सिग्नेचर जो है काफ़ी बैलेंस है और काफ़ी रिच बेस प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी फ्लैट डिज़ाइन है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती मिड्स हाईज एंड लोज में, तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नेचर है, इसकी आदत हो गई है मेरे को। तो डायरेक्टली जब मैं इससे इस पर स्विच हुआ तो मेरे को थोड़ा सा ना वियर्ड लगा इसका साउंड सिग्नेचर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अदर फैमिली मेम्बर्स को भी इसको ट्राई करने के लिए बोला, उनको काफ़ी अच्छा लगा, उनको बेस भी ठीक लगा, उनको वोकल्स थोड़े से बूस्टेड लगे, और ट्रेबल जो है कहीं ना कहीं वोकल्स में हल्के से वैसे हो जाते हैं, क्योंकि वोकल मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंटेंशनली ओप्पो ने हल्के से इसको बूस्ट किए हुए हैं। बेस जो है, बेस इसके कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ A2 प्रो के कंपैरिजन में, तो इसमें ना बेस उतना एम्फसाइज नहीं है, बट इसमें जो बेस की क्वालिटी आती है ना वो काफ़ी रिच आती है। मतलब एक वो बूमीनेस होता है ना, धूम धूम वो फील होता है, बहुत अच्छे से फील होता है। इसमें वो जो बेस है वो ठक ठक में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बेस बहुत अच्छा है, नो डाउट, ऐसा नहीं है। 80% ऑफ द पीपल को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेस हैवी सॉन्ग सुनते हैं, बादशाह, हनी सिंह और इन्हीं के सॉन्ग ज़्यादा पसंद आते हैं लोगों को। तो पार्टी सॉन्ग्स या डांस सॉन्ग वगैरह आप सुनना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं ये। और दूसरी अच्छी चीज़ इसकी ये है कि लाउड बहुत है। मैं इन दोनों को साइड बाय साइड जब कंपेयर कर रहा था सेम ट्रैक के साथ, तो मैंने इनको सेट किया हुआ था 80% वॉल्यूम पे, और जो ये थे वो 50% वॉल्यूम पे थे, और फिर भी मेरे को ये हल्के से इससे ज़्यादा लाउड लग रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि ईयर में काफ़ी ज़्यादा चुभ रहे हैं। तो इसकी जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी लाउड है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है बैटरी डिपार्टमेंट के लिए, कि आप इसको 60-70% से ज़्यादा सुनेंगे ही नहीं तो बैटरी जो है वो आपकी थोड़ी सी बेटर चलेगी। और अब अगर हम जनरल बात करें कि भाई वोकल्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो वोकल्स अच्छे हैं। अगर आप वेब सीरीज़ या मूवीज़ के लिए इसको परचेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई 1800 रुपये के मिल रहे हैं, हम इसको डायरेक्टली हाई एंड से कंपेयर नहीं कर सकते। आप कहो कि ये सैमसंग बर्ड्स के साथ मैं इसको कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली ये इसके आगे स्टैंड ही नहीं करते, बट 1800 रुपये के हिसाब से 80% लोगों को मेरे हिसाब से इसका साउंड सिग्नेचर जो है वो ठीक ठाक लगेगा। मेरे को उतना अच्छा पर्सनली नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
क्योंकि मेरे को इसकी आदत हो गई है ये जो है, क्योंकि काफ़ी रिच साउंडिंग TWS है, तो मेरे को ये A2 Pro काफ़ी पसंद आए और मैं अभी भी एनी डे इन्हीं को सेलेक्ट करूंगा इनके ऊपर। बट डेफिनेटली यार दोनों में डबल का प्राइस गैप भी है, तो उस चीज़ को भी हमें कंसिडर करना है। बाकी अगर आप एक बजट कैटेगरी का TWS देख रहे हैं और जस्ट फॉर द साउंड सिग्नेचर, तो आपको ये निराश नहीं करेगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक ठाक है। मतलब अगर मैं इसको जनरल रेटिंग दूँ तो 10 में से मैं 7 दूंगा इसको, और बाकी 3 नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मैं किस वजह से काट रहा हूँ, बाकी मेरे हिसाब से ओके ओके हैं। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से बैटरी के रिगार्डिंग भी, कि इसकी बैटरी कैसी चल रही है। अब देखो भाई, बैटरी का सिंपल सा है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने आपको इसको प्रॉपरली टेस्ट किया ही नहीं है क्योंकि मेरे को आज ही रिसीव हुए हैं। बट अगर हम कंपनी की माने तो कंपनी कहती है कि हमें इसको इंडिविजुअल बर्ड्स में 7 घंटे का प्लेबैक मिलता है, जो कि 50% वॉल्यूम पे है। कंप्लीट जो इंडिविजुअल बर्ड्स हैं और जो इसका केस है, वो अप टू 28 आवर्स का बैटरी टाइम आपको प्रोवाइड करेगा, जो कि मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मेरा फुल उसका वेट करो। मैं क्या करूँगा, इसी वीडियो के कमेंट में ना एक पिन कर दूंगा आफ्टर टेस्टिंग, कि इसकी बैटरी कैसे चल रही है। तो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पिन कमेंट को चेक कर लेना, आपको बैटरी का आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में इसकी बैटरी लाइफ कितनी है। कंपनी तो कुछ भी क्लेम करती रहती है। तो गाइज, अब मैं फटाफट से आपको एक क्विक सैंपल दे देता हूँ कि भाई अगर आप इसको गेमिंग मोड ऑन करके BGMI वगैरह खेलते हैं तो कितना लेटेंसी आपको देखने को मिलती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं, फिर वापस आते हैं। तो गाइज़ अगेन, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं तो भाई तार वाले कनेक्ट करो, ये ब्लूटूथ वाले सब ऐसे ही होते हैं, लेटेंसी मिलती मिलती है देखने को। तो अगर हम इस वीडियो को सम अप करें, एक रैप अप करें, तो भाई ये जो 1800 रुपये में मिल रहे हैं, इसके क्या प्लस पॉइंट्स हैं, पहले सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। इसके डिज़ाइन काफ़ी यूनिक सा है, गोल मटोल सा, और इजीली आपके हाथ में फिट हो जाता है, कॉम्पैक्ट है, आप इसको जीन्स की पॉकेट में इजीली कैरी कर सकते हैं। थोड़ा सा मैट फिनिश में है, तो आजकल इजीली इसमें आपको स्क्रैचेस देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के साथ साथ इसमें IPX4 की आपको रेटिंग मिल जाती है, तो हल्के फुल्के अगर आप जिम करते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट है। कंपनी के हिसाब से बैटरी लाइफ भी अच्छा क्लेम कर रखा है, जो कि हम टेस्ट करेंगे तो आगे पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको एज अ प्लस ही काउंट कर रहा हूँ। बैटरी बैकअप इनका होपफुली अच्छा ही होना चाहिए। अगर हम इसके नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहला यार वही कि इन्होंने कोई भी चार्जिंग केबल प्रोवाइड नहीं करी। एक छोटी सी केबल प्रोवाइड कर सकते थे, हर किसी के पास टाइप सी नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो चार्जिंग इंडिकेटर दिया है वो बॉटम साइड में दिया हुआ है, जो कि काफ़ी वेर्ड पोजीशन पे है, और इसीलिए आप इसको इग्नोर कर देंगे, चेक नहीं कर पाएंगे कि बैटरी इंडिकेटर, बैटरी कब लो हुई, आपको पता नहीं चलेगा और इजीली आपसे इग्नोर हो सकती है क्योंकि बॉटम साइड पे है। बाकी इन जनरल कुछ ऐसा खास है नहीं। ऑडियो सिग्नेचर मेरे को उतना खास नहीं लगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को ठीक लगेगा, 80% लोगों को जो बेस हैवी या उस टाइप का जो साउंड सिग्नेचर पसंद करते हैं, कंसिडरिंग 1800 रुपये में, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी देखते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करता है, ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है। और अगर आप इसका या किसी अदर TWS का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिए। हालांकि ये 2000 रुपये का हो जाएगा कुछ टाइम बाद, अभी तो 1800 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो अगर आप जाके परचेज करना चाहें तो मैंने नीचे लिंक छोड़ा हुआ, आप परचेज कर सकते हैं वहाँ से। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो भी ला सकता हूँ, आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। बाकी मैं काफ़ी सारे TWS टेस्ट करता रहता हूँ, OnePlus Buds Z था, मेरे पास सैमसंग है, बोट्स वगैरह के भी पड़े हुए हैं कुछ, तो साउंड सिग्नेचर का अच्छा खासा हो गया आइडिया कि कौन सा कैसा प्रोड्यूस करता है। मैंने उस हिसाब से ये रिव्यू प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है, इस टाइप के कंटेंट में आप इंटरेस्टेड है, तो मैं ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियोज़ को मिस ना करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।